नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के मछी निवासी ठेकेदार मनोज कुमार राय का जो हत्या किया गया था, उसका चारों अपराधी के साथ साथ शूटर भी गिरफ्तार हो गया है। ये सकरा थाना को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, मात्र और मात्र 30 दिन के अंदर। जी हाँ, 30 दिन के अंदर सकरा थाना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और जो ठेकेदार मनोज राय को हत्या हुआ था, वो हत्या में संलिप्त सभी आदमी को गिरफ्तार किया गया है, उसको धर दबोचा गया है थाना के तरफ से। आइए पहले पूरी जानकारी बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। हम आपको बता दें कि लगभग एक महीना पूर्व ठेकेदार मनोज राय को गोली मारकर सुबह के क्रम में उनको मौत का घाट उतार दिया था, जैसा कि खबर आप लोग हिमांशी न्यूज पर देखे होंगे। लेकिन ये देखिए, चारों सातीर आदमी, जिसमें से एक शूटर भी है और इसके साथ साथ दो ऐसे लोग हैं जो दिन रात मनोज राय से मिला करते थे और इन लोगों का जमीनी विवाद चलता था। आइए हम आपको पहले की कहानी ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि मनोज राय अपने गांव के ही एक खुशबू देवी की बहन ललिता देवी से, जी हाँ, खुशबू देवी के बहन ललिता देवी से 18 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करवाए थे। वह रजिस्ट्री फिर से पुनः खुशबू देवी अपने पिता के माध्यम से, जी हाँ, खुशबू देवी अपने पिता के माध्यम से फिर से वही जमीन को रजिस्ट्री करवा लिए थे। जी हाँ, फिर से वही जमीन को रजिस्ट्री करवा लिए थे। यानी कि साफ तौर पर समझिए कि जमीन एक ही है जिसको ललिता देवी, जो खुशबू देवी के बहन है, उससे मनोज राय जी लिखवाए, जो जिनको गोली मारकर हत्या किया गया था, और खुशबू देवी अपने पिता के माध्यम से वही जमीन को फिर से रजिस्ट्री करवाए। और दोनों पक्षों में हमेशा विवाद इस बात का होता था। वो लोग बोल रहे थे हम कब्जा करेंगे, तो मनोज राय जी का कहना था कि हम कब्जा करेंगे। यानी कि कब्जा करने के संबंध में ये दोनों आदमी को हमेशा विवाद चलता था। लेकिन हुआ तो क्या हुआ, जान लीजिए। खुशबू देवी, जी हाँ, खुशबू देवी और इनके पति महेश राय, जो कच्ची पक्की के निवासी है और इनका बताया जा रहा है कि यहाँ पे मछी गांव में मायके है, ये दोनों आदमी मिलकर और इनके एक भांजा रुपेश कुमार मिलकर, यानी कि खुशबू देवी, महेश राय और इनके भांजा रुपेश कुमार मिलकर शूटर अनीश कुमार और उसके दो साथियों को, जी हाँ, शूटर अनीश कुमार और उनके दो साथियों को 1 लाख रुपया सुपारी देते हैं कि मनोज राय को हत्या कर देना है, गोली मार देना है। 1 लाख रुपया सुपारी देते हैं और अनीश कुमार और उसके एक और साथी गोली मारकर मनोज राय को हत्या कर दिए। लेकिन सबसे निशानी वाली बात यह है कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जब वो दोनों अपराधी भाग रहे थे, जैसे शूटर अनीश कुमार और इसके एक और साथी जब बाइक से भाग रहे थे, तो पुलिस का दिमाग और पुलिस का आंख उनके चप्पल पर पड़ा। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी खबर हिमांशी न्यूज पर, उसके आंख चप्पल पर पड़ा। जो शूटर अनीश कुमार और उसके साथी पहने हुए थे एक ही रंग का चप्पल, सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई दे रहा था, उसी के निशानदेह पर उसी के शक पर शूटर को गिरफ्तारी किया गया है। और हम आपको बता दें कि सभी आदमी का नाम हम आपको बताते चले कि एक का नाम है रुपेश कुमार, जिनके पिताजी का नाम है अमरनाथ राय और वह लक्ष्मीपुर थाना बरियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर। और दूसरा है महेश राय, पिता गणेश राय, ग्राम कच्ची पक्की और सदर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और उनके पत्नी है खुशबू देवी, पति का नाम हो गया महेश राय और ग्राम ये भी कच्ची पक्की और थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और शूटर, जी हाँ, शूटर अनीश कुमार, जिनके पिताजी का नाम है विनय राय, वह कुलेश्वरा डी, जी हाँ, कुलेश्वरा डी सकरा थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। यानी कि जो शूटर है सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब आइए पहले सकरा SDPO 2 सर क्या कुछ बोले, जरा सा आप सुन लीजिए। दिनांक 13/5/24 को करीब 6 बजे ग्राम बछनी के मनोज कुमार राय पिता स्वर्गीय महेंद्र राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। उक्त घटना के संदर्भ में सकरा थाना कांड संख्या 262/24 धारा 332/34 भादवी 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के अनुसंधान में थानाध्यक्ष राजीव कुमार पाल सकरा थाना के और इनके सहयोगियों ने बहुत ही गति से अनुसंधान करते हुए इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें रुपेश राय, महेश राय, खुशबू देवी और शूटर अनीश कुमार थे। उनके पास से घटना में एक पिस्टल, एक मैगजीन, चिंदा गोली, घटना में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल और अपराधियों द्वारा पहने गए चप्पल एक जोड़ी बरामद किया गया है। इस घटना का मुख्य रूप से कारण है कि महेश राय, मृतक मनोज राय और अभियुक्त महेश राय की पत्नी दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और उनमें 18 कट्ठा की जमीन को लेकर विवाद था। खुशबू कुमारी जो पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है,
उनकी बहन है ललिता देवी, उन्होंने 18 कट्ठा जमीन मनोज राय को लिख दी थी। खुशबू कुमारी ने पुनः उस जमीन को अपने पिता से अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली थी। उसी जमीन को लेकर विवाद था दोनों बहनों में, और उसमें मनोज राय उक्त जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे दिखवाने के बाद। इसी बात को लेकर के यह कांड किया गया, और उसमें जो जिन शुक्रों को सुपारी दी गई थी उसमें से एक शुक्र को गिरफ्तार कर लिया है हम लोगों ने हथियार के साथ। शेष दो बचे हुए लोग हैं इसमें शामिल, उन लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, और उसी का मैगजीन एक है और एक जिंदा गोली है। और जो घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को और अभियुक्तों द्वारा जो चप्पल पहन करके घटना को अंजाम दिया गया था उस चप्पल को भी बरामद है। जी हाँ, इससे जुड़ा एक और रोचक मामला आप लोग जान लीजिए। जो शूटर अनीश कुमार है ये मात्र इसको 20,000 रुपया ही मिला है। जी हाँ, इसको मात्र 20,000 रुपया ही मिला है, और 20,000 लेकर ये मर्डर करने के लिए मनोज राय को चल दिए थे। और इनको 20,000 का क्या काम था जान लीजिए, जिस दिन मनोज राय को हत्या करने के लिए ये लोग निकले उसी के कुछ दिन बाद, यानी कि चंद्र दिनों बाद इनके शादी होने वाले थे। अनीश कुमार पिता विनय राय, जी हाँ, अनीश कुमार पिता विनय राय शूटर का शादी होने वाला था कुछ दिनों के बाद ही, और शादी में खर्च करने के लिए, दोस्तों को दारू पिलाने के लिए और बम पटाखे खरीदने के लिए इनको पास पैसे की अर्जेस्ट करनी थी, जो एक शूटर के माध्यम से इनको 20,000 रुपया दिया गया कि जाइए और आप मनोज राय को हत्या करके आइए, और वह पैसा को ये शादी में खर्च किए थे। और हम सूत्रों से जानकारी हम तक यह पहुंच रही है कि जो यह शूटर है इसका लगभग आज से 20 दिन पहले, जी हाँ, लगभग 20 दिन पहले इसका शादी हुआ है। पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करें। अब बताइए ऐसे ऐसे लोगों को कौन से मुकदमा लगने चाहिए। हालांकि इन लोगों को जेल भेज दिया गया है, और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मनोज राय, जी हाँ, मनोज राय जो ठेकेदार थे, मछी के निवासी थे, उनके कातिलों का ठिकाना लग गया है। और जो शूटर के सातिर हैं, एक से दो लोग जो भी सातिर हैं, उनको धर दबोचने के लिए सकरा थाना छापेमारी लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दे, और यह अपराधी को पकड़ने में, जी हाँ, यह अपराधी को पकड़ने में सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो दिन रात इकट्ठा करके सकरा एसएचओ राजू कुमार पाल और एडिशनल एसएचओ आशीष ठाकुर के नेतृत्व में यह टीम को गठन किया गया था, और इन सभी को घर दबोचा गया है। जी हाँ, एडिशनल एसएचओ आशीष ठाकुर और ऐसे राजू कुमार पाल के सौजन्ने से ये सभी अपराधी को घर दबोचा गया है, और उसके बाद जेल भेज दिया गया है। आप हिमांशी न्यूज पर यह सबसे बड़ी खबर देख रहे थे। यह खबर आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर फॉलो कर ले। जब तक लिए फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ। जय हिंद।